मुझे क्लॉ का ठिकाना मिल गया, हिमालय में बहुत अंदर कहीं पर। वैसे मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, मानना होगा ब्लैक पैंथर, ये वकांडा टेक बहुत जबरदस्त है, स्टार्क टेक जितनी ही अच्छी। मुझे पता है तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, पर ये कंपैरिजन तो वकांडा टेक्नोलॉजी की इंसल्ट है। क्या तुम मेरी बुराई भले करो, लेकिन मेरी टेक्नोलॉजी की करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। जाने दो टोनी, जाओ दूसरों को देखो। बड़ी बड़ी बात है, यकीन नहीं होता। तुम एवेंजर्स बहुत बोलते हो, और वो भी बेकाबू होकर। क्या ये वजह काफी नहीं तुम्हारे साथ काम न करने की? मुझे यकीन है कि हमारे साथ काम करने के बाद तुम्हारी राय बदल जाएगी। उसी तरह मुझे यकीन है कि वक्त आने पर तुम मेरी शील्ड भी लौटा दोगे। वो वाइब्रेनियम चुराया हुआ है। वो वाइब्रेनियम मुझे दिया था तुम्हारे पिता किंग चीचाका ने। मेरे डैड को जानते हो? हावर्ड स्टार्क और मैंने हाइड्रा द्वारा वकांडा हमले के वक्त उनकी मदद की थी। बदले में उन्होंने वाइब्रेनियम हावर्ड को गिफ्ट में दिया था। मैं बस उसी वक्त उनसे मिला, लेकिन किसी इंसान को सुनने और जानने के बाद हम उसे ठीक से पहचानने लग गए। मेरे डैड महान इंसान थे, लेकिन बहुत दिलदार और भोले थे। अगर ये खूबियां कुछ कम होती तो शायद वो आज जिंदा होते। हाँ तो अनिका, डोरा मलिशा हमसे बात कर सकते हैं या फिर? मेरा ध्यान मत बटाओ, मुझे बेकार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे अनिका, मेरे साथ कोई भी बात बेकार नहीं होती। हॉकाई, ये ब्लैक पैंथर की कोई खास पर्सनालिटी नहीं है ना? हाँ, देखा है मैंने। हम वकांडा से नहीं है ना, तो हमसे दोस्ती क्यों करेगा फला वो? तुम ब्लैक पैंथर की चुप्पी को गलत समझते हो। वो ऐसे है क्योंकि उन्हें होना चाहिए। राजा होने के नाते उनका हर कदम हर फैसला समाज की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। हाइड्रा के हमले में उनके पिता बाल बाल बचे थे, और इसीलिए किंग चचाला ने वकांडा को सबसे दूर कर दिया। तुम जैसों के साथ सफर के दौरान भी वो अपने रूल्स तोड़ते हैं। वो कल की बात थी, आज हम मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने का यही तरीका है। इस पजल का आखिरी पीस। दरवाजा तोड़ दो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सरेंडर कर दो। जब मैं जीत रहा हूँ तो सरेंडर क्यों करूंगा? आखिरी बार तुमसे मुकाबला हुआ एवेंजर्स, मेरा शरीर वाइब्रेनियम के साथ जुड़ा हुआ था। डरावना सीन था, पर मुझे और वाइब्रेनियम चाहिए था। मेरे दिमाग और शरीर को एक उचित कवच की जरूरत थी, जो मेरे पास है। वाइब्रेनियम से बना खूबसूरत अटूट वाइब्रेनियम। इस जगह को मैं अपना किला समझता था, अब यहाँ तुम सबकी नफरत बनेगी। अवेंजर्स, कोई वॉल्यूम को कम करो। जो चाहो करो, मैं सब खेलूंगा, मुझे नहीं हराओगे। मेरे राजा से दूर रहो। मैं एक एक को खत्म कर दूंगा। देख लो, तुम्हें इस बारे में बात करनी है उससे पूछो। बातचीत में मेरा कोई मुकाबला नहीं है।